तो सबसे पहले हमने इस पे ग्रे शेड लगाया और शेड को हमने हल्का सा स्लाइटली जैसे कि इस तरह से अप्लाई कर दिया कि ग्रे से वाइट पर या वाइट से ग्रे पे इस तरह से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये काम हमने पहले इस पे कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। तो पहला मसला तो हमने यहाँ पे इसका सॉल्व कर दिया। अब दूसरे मसले में हमें ये देखना है कि ये जो है ऊपर वाला सेक्शन बनाना है इसका, तो यहाँ पर इस तरह से ये कैसे निकलेगा, देख रहे हैं? कुछ आइडिया हो रहा है कैसे निकलेगा? उससे भी निकल सकता है, सही कह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया स्टाइल ऐड कराते हैं और इसको लॉक कर देते हैं, यहाँ पे लेयर लेते हैं। अब इसको हम ऐसे रखते हैं और इसको इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक स्टाइल निकालेंगे हम इसके अंदर से, जैसे कि ये वाला निकालते हैं और ये स्टाइल कुछ इस तरह का है। इस तरह का स्टाइल निकालने के लिए एक शेप लिया हमने और इस शेप को हमने लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बना दिया और इस पर क्लिक करके हमने पीला कलर दे दिया, कुछ भी नहीं दिया इसको। और इफेक्ट्स में जाके जैसे इसने हमें कहा कि वार्प में जाएंगे, तो वार्प में ये तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, मसले का हल जो है पूरी तरह नहीं निकल पा रहा, हो तो गया। तो इस मसले से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको प्रॉपरली शेप से निकालते हैं पेन टूल की मदद से। ठीक है, स्क्वायर बना लेते हैं इसके ऊपर, स्क्वायर बनाने का इसको यहाँ रख लेते हैं और उसके बाद इसको क्लिक करके कर्वेचर टूल से यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से उठाते हैं और यहाँ से बिठाते हैं, सही है? कुछ इस तरह का ही मामला इसके साथ हमें करना पड़ेगा। साथ साथ इसको भी ऊपर ही ले जाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी आउटलाइन तो हमें रखनी नहीं है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस और इस तरह से थोड़ा ऊपर कर देंगे और उसके बाद इसको ब्लैक कर देंगे कलर। ठीक है, अब ब्लैक वाले में क्या करना है कि ब्लैक वाला यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, पीला वाला थोड़ा कम है, बाकी मामला सेट रहेगा। थोड़ा सा और ऊपर कर लें, इस तरह से कर लें, सही। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट ई, पेस्ट इन प्लस, इसका कलर रेड कर लें, मारून कलर, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, सही है, कोई दिक्कत परेशानी। थोड़ा बहुत यहाँ से जो रेड है वो थोड़ा और ऊपर है, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से ऐसे कर लें, तो फिर वो ब्लैक वाला और येलो वाला जो है थोड़ा सा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जैसे था वैसे ही सही है, ये डिजाइन हमारा सेट हो गया, सही है, ओके। ये हमारा बन गया पहला वाला मामला, इसको हम यहीं पर ही हेडर पे लॉक कर देते हैं। फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का मामला है, ये दो गोल गोल इन्होंने यहाँ लिए हैं, तो ये दो गोल गोल जो लिए हैं इन्होंने वो बेसिकली इस तरह के एक और दो इस तरह से ये लिए हैं, ये ऐसे करके दो लंबे लंबे इन्होंने बनाए हैं और यहाँ से क्लिक करके क्लिक किया हमने यहाँ पे ऑल्टर के साथ, यहाँ पे क्लिक किया। अब थोड़े से बड़े रखने हैं तो इनके साइज पे ऐसे लंबा कर लें और इसके साइज को बिल्कुल नीचे तक लेना है तो उसको एंड तक ले जाएं, थोड़ा बीच का गैप मेंटेन रखें, बाकी आधे काट देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, इन पे भी कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी,
अब क्या है, पीछे पीला है आगे काला है, तो इसको डिलीट करते हैं, पीछे वाले को पीला कर देते हैं और आगे वाला काला करना, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी। इसको पीछे करने के दो तरीके हैं, देखिए ये इस तरह स्लाइटली पीछा हो रहा है, तो इसको ऐसे करके भी पीछे किया जा सकता है, आगे वाले को काला कर देते हैं और यहां पे क्लिक करके इसको भी पीला है फिर आगे रेड है। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी और आगे रेड है, तो रेड पे क्लिक करके ओके सही हो गया काम हमारा। ब्लैक भी वो ब्लैक फिर हम शेड मार देंगे, इसके साथ हम ग्रेडिएंट डालेंगे ना ब्लैक राइट का कॉर्नर में डाल देंगे इसको। अच्छा अब ये तीन सर्किल्स रखे हैं इन्होंने, एक इसको फिर एक उससे छोटा फिर एक उससे छोटा, तो इसके लिए फिर ब्लॉक करेंगे यहाँ पे जाएंगे। सर्किल इस तरह से रखेंगे एक सर्किल, ठीक है, ऑल्टर के साथ कॉपी लेंगे छोटा कर देंगे। अब इस हिसाब से तो बहुत बड़ा हो गया है, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, या इसको ऐसे रखना चाहे नीचे करके तो नीचे करके रख लें, ऐसे दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? इन पे भी आपने एक काम करना है, पीछे इनके शेड डालना है, आगे इनके ऊपर पिक्चर्स लगानी है। कंट्रोल सी करके इनके ऊपर जो शेड्स डालने हैं, जैसे ये साइड से आप देख रहे हैं शेड्स, ये फिर ग्रे कलर के स्टाइल्स पर शेड्स लगेंगे इनके ऊपर। जैसे ग्रेडियंट्स कैसे बनाएंगे, तो इसको इधर ही लॉक करते हैं, फिर इस पर आते हैं पिक्चर्स पर। फिर ये बनाने हैं, अच्छा ये बनाना है, इसके साथ एक ब्लैक है एक ब्लू है। खैर ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान बनेगा। और यहाँ से लेके आप एक शेप लेंगे, ट्रायंगल लेके उसको इस तरह से कर लेंगे, पहले पीला वाला ले लें फिर उसके साथ ये ले लें फिर तीसरा ले लें। तो इसके साथ देखें इसके इस तरह से ये लेना है यहाँ पे और फिर ये इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ से हमने पेन टूल लिया। अच्छा अभी लेयर्स पे फायदा ये, थोड़ी देर के लिए इसको इनविजिबल कर लें, यहां से क्लिक करें ऐसे, ठीक है, इसमें पीला कलर भर दें, कर्वर्चर टूल लेके इसको इस तरह से उठा दें, ठीक है, कंट्रोल सी करें कंट्रोल शिफ्ट वी। अब क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा काला कलर कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, रेड कलर कर दें, बस